Hi everyone, welcome back to my channel Mama and Shivai. And here is another fun weekend vlog. So सबसे पहले happy Navratri to everyone. Saturday से Navratri start हो गए हैं and festival start होने के बाद एक अलग feeling आती है. So I'm very excited. तो आज के vlog में आप बहुत कुछ देखने वाली हैं. चलिए video start करते हैं. हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें. श्वेत, डैडी फिंगर, वेयर आर यू? हियर आई एम, हियर आई एम. दिखाओ अपनी डैडी फिंगर, दिखाओ. डैडी फिंगर, वेयर आर यू? हियर आई एम. क्या कर रहा हूँ इसके साथ? करो. डैडी फिंगर पे. ओ, डैडी फिंगर गिर गई. उठाओ डैडी फिंगर. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना. आज की वीडियो में आप शिवाय को थोड़ा कम देखेंगे क्योंकि वीकेंड पे शिवाय ठीक नहीं था. उसको थोड़ा कोल्ड कफ हो गया है. जिस हिसाब से वेदर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कोल्ड कफ होना बहुत कॉमन है. सो मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना ज्यादा सही समझा ताकि वो जल्दी रिकवर करे. सो ही इज फाइन नाउ. बट क्योंकि मैं उसके साथ शूट नहीं कर पाई तो आज की वीडियो में आप उसको थोड़ा लिमिटेड मात्रा में देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा क्योंकि आई विल ट्राई टू कवर हिम मोर. सो आज की वीडियो में मुझे झेलने के लिए शुक्रिया. तुमने गणेश जी कहाँ से उठाए हैं? बताओ जल्दी. यहाँ से इस बच्चे ने ना यहाँ से गणेश जी चुराए हैं. वापस दे दो मेरे गणेश जी, जल्दी दो वापस. आपने जय करी? चलो जय कर दो जल्दी से. पहले हाथ जोड़ के जय करो. जय करो. जय श्वे बोलो. जय माता दी, जय माता दी. जोर से बोलो जय माता दी. अरे शिवाय आप क्या कर रहे हो बेटा? शिवाय तुमने ना सारी माचिस तोड़ दी. ऐसे तुम जय माता दी करते हो? जोर से बोलो जय माता दी. बोल दो शिवाय, एक बार बोल दो जय माता दी. डोंट टच. कोई भी चीज टच नहीं करनी है. डोंट टच. क्या करोगे इसका? वापस रख दो. भर दो जल्दी. पहले डाल दो इसको अंदर. निकालो. नहीं तो जा रही है, आप करते रहोगे. बाय. तो मैंने अपने पूजा घर में थोड़ा चेंज किया है इस बार. एंड हम लोगों का जो मंदिर था वो दीवार पे हैंगिंग था. एंड क्या होता था, उसकी तरफ से जो भी बंदा जाता था उसके सर में लग जाता था. तो मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि जब नवरात्रे आएंगे तो मैं उसको नीचे शिफ्ट करूंगी ताकि रीच में भी रहे एंड किसी को चोट भी ना लगे. सो ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा डिले हो गया. एंड जिस दिन नवरात्र थे उस दिन मैंने शिफ्ट किया उसको. एंड शिवा इतना खुश हो गया क्योंकि जो वॉल पे हैंगिंग था उसका हाथ नहीं जाता था एंड अब उसकी रीच में एवरीथिंग. सो मैंने उस दिन बड़ी मुश्किल से सारी पूजा सेट करी क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ था. एंड जो भी मैं चीज लगा रही थी वो उठा के मुझे वापस दे रहा था कि आप यहाँ क्यों लगा रहे हो. सो पूजा हम करते हैं रोज एंड वो बहुत बदमाशी करते हैं. अगर मैं गणेश जी की पूजा करूंगी तो वो गणेश जी उठा के मेरे हाथ में दे देता है.
या इधर उधर रख देता है गणेश जी को उठा के, ऐसे लक्ष्मी जी को लेके घूमता रहता है, उनकी माले उतार के ले जाता है, कभी दिया ले जाएगा उठा के। फिर एक दिन दिया में हाथ रख दिया, तो मैंने कहा बेटा तुम हाथ लगाओ आज दिए में, जब तुम्हें चलेगा ना तब पता चलेगा कि इसको दोबारा नहीं छूना है। तो एक दिन उसने हाथ लगाया, उसके हाथ में गरम गरम लगा, अब वो उसको नहीं छूता, मुझे बोलता है कि ये दे दो। तो उसके लिए भी लर्निंग है, मेरे लिए भी लर्निंग है। एंड एक मतलब 15-20 मिनट की जो पूजा होती है ना, वो आधा पौना घंटा हो जाता है। कभी वो कुछ उठा के ले जाता है, कभी वो कुछ उठा के ले जाता है। माचिस सारी खराब कर दी है, मैं 3-4 माचिस लाई थी, आता है और कहेगा मेरे को माचिस चाहिए, फिर इधर उधर फेंक देता है सारी। फिर मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, कुछ चीज मेरे हाथ में आती है, कुछ जब झाड़ू लगती है तब निकल के आती है। तो मतलब एक ऐसा होता है ना, घर में एक उत्पाती बंदर आ गया जो बस आता है एंड इधर उधर से चीजें इकट्ठी करता है और इधर उधर फेंक देता है। तो इस बार सारे फेस्टिवल्स घर में होने वाले हैं, ज्यादा धूमधाम नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, बट क्योंकि सारी साइट्स के ऊपर सेल लगी हुई थी, मैंने फिर से थोड़ी शॉपिंग करी है। एंड एक ना ये सारी साइट्स जो होती है फेस्टिवल्स के आसपास सेल लगा के थोड़ा लालच देते हैं कि चलो चलो थोड़ा खरीद लेते हैं। तो मैंने 2-3 साइट्स ट्राई करी, मैंने अमेजोन से थोड़ी चीजें ऑर्डर करी है, मैंने फर्स्ट क्राई से थोड़ी शॉपिंग करी है शिवाय के लिए, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई, इस बार थोड़ी ठंड पहले आ गई है, तो मैंने थोड़ी शॉपिंग शिवाय के लिए करी है। एंड मैंने एक नई साइट ट्राई करी है Ajio.com, तो मैंने उससे 2-3 चीजें मंगवाई हैं। एंड अभी वो डिलीवर नहीं हुआ है, तब डिलीवर होगा मैं देखूंगी कि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है Ajio के साथ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरा सारा सामान आने वाला है। बट जो चीज सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है वो ये है कि अगर आपने अमेजोन से 4 चीजें ऑर्डर करी है तो 4 अलग अलग पार्सल आते हैं एंड आप बार बार कलेक्ट करने जाओ, सो दिस इज रियली वेरी इरिटेटिंग। क्यों ना थोड़ी सफाई कर ली जाए, तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं शिवाय के सारे सॉफ्ट टॉयज धो देती हूँ। टुक टुक, आज मैं शिवाय की सॉफ्ट टॉयज धोंगी एंड आप देख रहे हो चुनिया है यहाँ पे, तो मैं इनको धोंगी वॉशिंग मशीन के अंदर। तो अगर आपको अपने सॉफ्ट टॉयज धोने हैं तो आप उनको चुन्नी के अंदर बांधिए एंड फिर वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, तो आपके जो सॉफ्ट टॉयज है वो खराब नहीं होते। चम्मच में इसके अंदर डाल देते हैं, चार बाल्टी पानी, ब्रेड पिज्जा विथ चीज एंड विदाउट चीज। सो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ब्रेड पिज्जा एंड मुझे 2 वैरायटी में पिज्जा बनाना था। मुझे चेक करना था कि क्या चीज स्लाइस के साथ अगर मैं पिज्जा बनाती हूँ तो वो चीज़ ही बनता है जिस तरह से डोमिनोज वगैरह का होता है, नहीं तो मुझे आज एक्सपेरिमेंट करना था। एंड नवरात्रि चल रहे हैं तो मुझे डाउट था कि क्या बिना प्याज के अच्छा पिज्ज़ा बनेगा, नहीं हम लोगों के यहाँ प्याज लहसुन सब चीज़ें नहीं खाते हैं नवरात्रि में, बट इस पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। प्याज का होना या ना होना मैटर ही नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें सॉसेज वगैरह थी, चीज़ भी डाला मैंने, सो दैट एक्सपेरिमेंट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो कभी कभी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड कभी कभी लंच में से चीज़ें खानी चाहिए, आई टू जस्ट लव दैट। ये देखिए सारे टॉयज सूख गए हैं। मीट नंदू ये शिवाय की मासी लेके आई थी जब शिवाय पैदा हुआ था एंड दिस इज अ डॉग, आई थिंक शिवाय के बर्थडे पे आया था। इसके अलावा इधर आओ बच्चों, इधर आओ, दिस इज अ कैटरपिलर जो कि शिवाय जिस दिन आया था उसने इसी दिन उसकी आंखें निकाल दी थी। एंड देयर इज वन मोर क्यूट टेडी बेयर, दिस इज टुक टुक, ये मम्मा का है बट आजकल इसको शिवाय यूज करता है।
टुक। चलो शिवाय अब इधर लड्डू ले लो। लो लड्डू लो, पहले पहले लड्डू लो। नहीं अब मैं तो पूजा करने जा रही हूँ, आपको चलना है जय जय करने? जय जय करने चलोगे? होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मुझसे शिवाय से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।